ओम शांति। बच्चे, यदि विजय माला में आना है तो स्वयं को विजयी रत्न बनाना पड़ेगा, अर्थात अपने अमृत वेले से रात तक की दिनचर्या में संपूर्ण विजयी। चाहे पेपर, तन मन धन, बुद्धि, संबंध संपर्क, स्वभाव संस्कार, कमी कमजोरी, अर्थात कोई बड़े से बड़ा हिमालय जैसा पेपर भी हो तो उसमें भी विजयी। अभी के विजयी बनने के संस्कार आपको विजयी बना देगा। इसलिए स्वयं ही स्वयं की रिजल्ट चेक करो कि मैं कितने परसेंट विजयी बनता हूँ। अभी तो बाप का सहयोग है, फिर भी हारते रहोगे तो फिर कब विजयी बनोगे? आगे चलकर तो परिस्थितियाँ बढ़नी ही हैं, इसलिए अभी से स्वयं पर फुल अटेंशन रख स्वयं को परिवर्तन करो। बाप की हर श्रीमत को महीनता से समझ फॉलो करो। डेली अपना चार्ट देखो और पहले दिन से कंपेयर करो। यदि विजय माला का दाना बनना है तो सभी क्या क्यों ऐसे वैसे को छोड़ विजयी बनने के संस्कार बनाने पड़ेंगे। देखो, यदि कोई पेपर बड़े रूप में आता है और आप समझते हो कि इसमें मेरी हार हो गई या उस पेपर को क्रॉस करने में संकल्प और समय लगा, तो फिर से हिम्मत और दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ में लग जाओ और सोचो, मैं एक विजयी रत्न हूँ, कल्प कल्प का विजयी हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो आगे मेरी विजय अवश्य होगी। अटेंशन दे, हिम्मत रख, दृढ़ता और हल्के रहे, स्वयं को विजयी बनाओ। यदि हार जाते हो तो फिर पावर भरो, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना। दिल शिकस्त होना अर्थात हमेशा की हार। इसलिए दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ो, अपने स्वमान को अपने साथ रखो, गुणों और शक्तियों को यूज करो। बाबा आपके साथ है, हर समय आपको सहयोग दे रहा है, पर कर्म भोग और हिसाब किताब आपके हैं जो आपको ही चुकतू करने हैं। यदि हिम्मत रख बाप की श्रीमत प्रमाण चलोगे तो बाप का भी फुल सहयोग ले पाओगे। अच्छा, ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.